नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गोल गले के नीचे बहुत ही सुंदर सा डिजाइन बनाने का आसान सा तरीका। यहाँ पे हमने राउंड नेक की कटिंग किया हुआ है जो कि बिल्कुल सिंपल हमें तैयार करना है पाइपिंग के साथ में, और ये आप देख रहे होंगे काफी सारे हमने पोटली बटन इस तरीके से बनाए हुए हैं। इनको हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में अटैच करेंगे और बहुत ही प्यारा सा आपको डिजाइन बना करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना होता है हमें कितने इंच तक ये पोटली बटन अटैच करने हैं। तो इस पॉइंट से हम यहाँ पे देखेंगे नेक लाइन से और कमर के पॉइंट तक तकरीबन 8 इंच तक हमें यहाँ पे ये पोटली बटन अटैच करने हैं। और इस यहाँ पे जो हम पट्टी लगाएंगे उसमें पाइपिंग का भी बहुत प्यारा सा काम करके आपको दिखाएंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है, इसके ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की हुई है। इसकी चौड़ाई होगी तकरीबन हमारी 3 इंच की। जैसे जैसे हम तैयार करते जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, वो मैं आपको मशीन के ऊपर दिखाऊंगा। और लंबाई हम थोड़ी इसकी कम कर लेते हैं क्योंकि ये है ज्यादा इस तरीके से। तो अब चलते हैं हम मशीन के ऊपर और सीखते हैं डिजाइन को बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे जितनी लंबाई की ये पट्टी है उस लंबाई की 2 पाइपिंग निकालनी होगी। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी ये वाली ली है और एक हमने पाइपिंग यहाँ पे बना ली है, एक मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे पट्टी को और इसके बीच सेंटर में डोरी का धागा रखेंगे ऐसे, और इस तरीके से बीच में धागा रखते जाएंगे और ऐसे पाइपिंग निकलती चली जाएगी हमारी। ऐसे हमने यहाँ पे ये पाइपिंग निकाल ली है। अब हमें इस पट्टी में अटैच करनी है, तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। जो हमारी पाइपिंग होती है इसी के साथ में यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड भी रखेंगे और यहां पे भी लगाएंगे। अब इनका एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है वो काट देते हैं, हमें हल्का हल्का मार्जिन रखना है यहां पे। और पाइपिंग को अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम ये पाइपिंग की पट्टी इतनी चौड़ी रखेंगे ऐसे, और इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने ये पाइपिंग अपनी लगा ली है दोनों साइड में। अब जैसे मैंने बताया था यहाँ पे हमें बारीक तैयार करनी है इस तरीके की पट्टी। इसको आप चौड़ी भी कर सकते हो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे बारीकी करूंगा तकरीबन 1/2 इंच की, और यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। ये हम क्रीम कलर की पाइपिंग लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे इसका जो मार्जिन है वो हल्का हल्का छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। तो ये ऐसे हमारी पाइपिंग वाली पट्टी आ जाएगी। दोनों साइड में हमने एक साइड क्रीम कलर की, एक साइड हमने गाजरी कलर की निकाल ली है। सेम इसी तरीके से ये वाली पट्टी भी तैयार कर लेते हैं।
तो दोस्तों दोनों पट्टी कर ली है हमने यहाँ पे तैयार। अब हमें यहाँ पे इनको अटैच करनी है, तो ये जो पोटली बटन है ये हम अलग कर लेते हैं क्योंकि ये हमें बाद में लगाने हैं। और फ्रंट करते हैं ओपन, नेक लाइन का निशान लगाते हैं जहां तक हमारा डीप आएगा, इससे हम थोड़ा ऊपर लेके चलेंगे, यहां से पट्टी लगाने की शुरुआत करेंगे और इस पॉइंट से ही हम यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे। सेंटर पॉइंट का ध्यान रखें। एक्स्ट्रा पट्टी की हम यहाँ पर ऐसे कटिंग कर लेंगे। नीचे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे पक्का करेंगे। अब हम दूसरी पट्टी भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है नीचे से यहाँ पे फोल्ड करते हुए अटैच करेंगे फिनिशिंग के साथ में। तो दोस्तों सेंटर वाली पट्टी हमने यहाँ पे ये लगा ली है और यहाँ पे हमने देखा है नेक लाइन हमारी किस पॉइंट तक आती है, तो यहाँ पे भी हम निशान लगा लेते हैं। और ये वाला हिस्सा अभी हमारा ओपन है जिसमें हमें पोटली बटन यहाँ पे लगाने हैं इस तरीके से, तभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर डिजाइन तैयार होगा। ये लगाते कैसे हैं पोटली बटन, यहाँ पे हमने एक डबल शेड की डोरी ली हुई है गाजरी कलर और क्रीम कलर। और सबसे पहले मैं आपको पोटली बटन बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने रुई ली है इस तरीके से एक छोटा पीस, रुई को गोल कर लेते हैं। गोल करने के बाद हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे एक ऐसे रखेंगे और इस तरीके से इसको गोल बना लेंगे। गोल बना के यहाँ पे धागा लपेट देते हैं ऐसे। ये हमारा धागा जब तीन चार बार लपेट जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे पक्का कर लेंगे इसको। ये हमने पक्का कर लिया है, हल्का गैप रखते हुए कटिंग करेंगे। तो ऐसे हमारा यहाँ पे पोटली बटन ये तैयार हो जाएगा। अब हमें ये पोटली बटन दोबारा तैयार करना होता है इस तरीके से। यहाँ पे हम ये डोरी लेंगे और इसको एक साइड में ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे धागा लपेटेंगे ऐसे हल्की सी टाइट रखेंगे और यहाँ पे हम ऐसे धागा लपेटते हैं। इस तरीके से लपेटने के बाद तो ये हमारा पाइपिन पोटली बटन तैयार हो जाता है। यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हम कटिंग कर देते हैं, सिर्फ हमें इतना गैप रखना है जितना हमारा यहाँ पे इस तरीके से नीचे की साइड ये आ जाए ऐसे। तो जैसे हमने यहाँ पे ये गाजर कलर में क्रीम कलर की डोरी लगाई है तो वही तरीका होगा, क्रीम कलर में हम गाजरी कलर की डोरी लगाएंगे। कहने का मतलब है अपोजिट एक दूसरे के हम ये काम करते जाएंगे तो हमारे पोटली बटन कंप्लीट हो जाते हैं पाइपिंग वाले ऐसे। यहाँ पे हल्का सा हम पक्का भी कर सकते हैं इस तरीके से, वैसे तो साथ के साथ लगाते रहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। अब हल्का गैप रखेंगे और यहाँ पे करेंगे कटिंग इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा हमें ये ध्यान से बनाना होता है सफाई के साथ, ताकि हम नीचे जब अटैच करेंगे तो हमारी प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। इसी तरीके से हम ये पोटली बटन तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको अटैच करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी पोटली बटन अपने तैयार कर लिए हैं जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम एक एक करते हुए यहाँ पे अटैच करते हैं। तो यहाँ से इस निशान से हल्का सा हम नीचे की साइड गैप रखते हुए शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे आपने साथ साथ में ही
लगाते जाना है पोटली बटन को, ताकि हम इनको फिनिशिंग से लगाते जाएं। और ये भी हमें ध्यान रखना है, एक जो हम गाजरी कलर का लगा रहे हैं तो दूसरा हमें पिंक कलर का लगाना है। मिक्स करते हुए यहाँ पे इनको अटैच करना है ऐसे, तभी हमारी ये अच्छे लगेंगे। तरीका सेम होता है सभी बटनों को लगाने का। इसी तरीके से नीचे तक हम कंप्लीट करेंगे। एक साइड में हमने पोटली बटन यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी साइड में आ जाते हैं। दूसरी साइड में हमें डोरी अटैच करनी है, तो यहाँ से मैं आपको छोटा सा पीस एक करके दिखाऊंगा। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे नीचे की साइड ऐसे, जो पोटली बटन है उसी के सामने। तो दोस्तों एक साइड में हमने पोटली बटन लगाए हैं, दूसरे साइड में हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। मैंने कुछ डोरी यहाँ पे रख के नीचे की साइड दबा दी हैं, कुछ इसी तरीके से हम आगे तक दबाते जाएंगे। तरीका सेम होता है, हल्की हल्की डोरी हमें छोटे छोटे पीस में कटिंग करनी है और इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे अटैच करनी है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हम अटैच कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा प्लेन कुर्ती का डिजाइन बनता जा रहा है। इसी तरीके से हम ऊपर तक यहाँ पे इन डोरियों को अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे छोटी छोटी डोरी अपनी कंप्लीट कर ली है, एक कलर गाजरी एक क्रीम, एक गाजरी एक क्रीम। जैसे हमने यहाँ पे बटन लगाए हैं सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे डोरी का कम्बिनेशन बनाते हुए तैयार की है। अब हम नॉर्मल तरीके से जैसे सिंपल नेकलाइन तैयार की जाती है, तो यहाँ पे हम सिंपल नेकलाइन तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों ऊपर की साइड हमने यहाँ पे नेकलाइन ये रेडी कर लिया जैसे आप देख रहे हो, और सेंटर में हमने 5 बटन लगाए हैं, क्योंकि क्रीम पाइपिंग है तो हमने गाजरी कलर के यहाँ पे ऊपर बटन लगाए हैं। और दोनों साइड में हमने अलग अलग डिजाइन तैयार किया है। एक साइड में प्रॉपर डोरी होगी हमारी डबल साइड की, और एक साइड में हमारे बटन होंगे पोटली बटन पाइपिंग वाले। तो दोस्तों इस तरीके से आप राउंड नेक के नीचे बहुत ही प्यारा सा आप डिजाइन तैयार कर सकते हो कुर्ती का, जैसे मैंने आपको बना करके ये दिखाया है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।